देश में गणेश चतुर्थी की धूम। पीएम मोदी ने भी देशवासियों को दी बधाई। त्रिपुरा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, 40 कार्यकर्ता हुए घायल। तेलंगाना के सीएम केसीआर आज जाएंगे पटना, नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के ठीक बाद फार्म हाउस से हटाया गया सीसीटीवी फुटेज, जांच में जुटी पुलिस। राशिद खान T20 क्रिकेट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने, टूटी टीम साउथी का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बिजनौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जोगी रामपुरी में विश्व प्रसिद्ध दरगाह आलिया नफज हिंद में जियारत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाकर देश में अमन शांति और तरक्की की दुआ मांगी। इसके बाद प्रेस वार्ता में नकवी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए, हम हमेशा ज़ियारत करने आते हैं और पिछले 2 सालों से कोविड वगैरह की वजह से भी मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन मैं पिछले लगभग 30 सालों से ज़्यादा वक्त से दरगाह में और इस दरबार में हाज़िरी देता रहा हूँ और मैंने अमन व अमान की, पूरे मुल्क की तरक्की की, पूरी दुनिया और आलम इंसानियत के सुकून की और तरक्की की दुआ। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। हालांकि अब गंगा और यमुना का जलस्तर थोड़ा स्थिर हुआ है, लेकिन कछारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के दौरे पर आए, जहाँ पर उन्होंने बख्शी बांध पर पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उनके अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है घर से बाहर, उनके सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वह तैयार रहें। और यह बाढ़ आई है, ये ज़रूर चिंता की बात है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हैं और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पर्याप्त उपाय भी किए गए, प्रबंध भी किए गए। अलीगढ़ में एक स्कूल की दकियानूसी सोच सामने आई है। पंजीपुरी इस्लामिक मिशन स्कूल में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान नहीं कराने जाने का आरोप है। यही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता मोहम्मद आमिर ने यह भी आरोप लगाया है कि 3 साल की बेटी को हिजाब पहनाकर स्कूल भेजने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही हिंदी नहीं पढ़ाए जाने का आरोप भी स्कूल प्रबंधक पर लगाए गए हैं। इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से की गई है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। इस साल हमने अपनी बेटी का एडमिशन इस्लामिक मिशन स्कूल में कराया था। हम स्कूल गए थे अपनी बेटी के बारे में मालूम करने के लिए कि आप लोग 6 महीने से अभी तक हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई और हमारी बेटी का होमवर्क क्यों नहीं चेक करा अभी तक और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वहाँ का जो प्रशासन था उन्होंने हमारे सवालों को कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा हमारे ऊपर बदतमीजी का आरोप लगाया और हमारी बेटी को स्कूल से निकाल दिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ना तो स्कूल के अंदर अभी तक 6 महीने में हिंदी पढ़ाई गई और ना ही वहाँ पर राष्ट्रगान होता है। साल में सिर्फ 2 बार राष्ट्रगान होता है, या तो 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी। हमने DM साहब के यहाँ शिकायत की थी पिछले हफ्ते और उस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये आमिर साहब हैं तो हमारे पड़ोसी, हमारे सामने ही रहते हैं, तो इनकी बच्ची का मामला है। तो ये 1 महीने पहले ये ऑफिस में आए थे
और बहुत ही मतलब गुस्से में, और उसमें उन्होंने हमारे स्टाफ के साथ बहुत एक गलत अंदाज में बात वगैरह की। उन्होंने कहा कि अभी तक हिंदी, बच्ची नर्सरी की है तो अभी तक हिंदी क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। तो हिंदी असल में बच्चों के लिखने में टाइम लगता है, नर्सरी के बच्चे हैं, अभी अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ है, कुछ छुट्टियाँ भी होती हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो लेट स्टार्ट होती हैं, क्योंकि बच्चे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, तो चीज़ें ओरल तो शुरू हो जाती हैं लेकिन राइटिंग प्रैक्टिसेस में टाइम लगता है। तो उनसे मतलब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने उस दिन मिसबिहेव किया, यहाँ पे स्कूल में हंगामा काटा, कहा कि स्कूल बहुत ही बेकार है, घटिया है, हम कहीं और पढ़ाते। नहीं, ये प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में भी आया और सूर्य माध्यम के और जिलाधिकारी के माध्यम से संज्ञान में आया है कि ये जवां ब्लॉक में पड़ता है, अलीगढ़ क्या ना, रामगढ़ पंजीपुर। स्कूल का नाम क्या है इसका? इस्लामिक पब्लिक स्कूल है, ज़्यादा इस्लामिक मिशन स्कूल है ये, और इसमें इस तरह की घटना हुई है। तो इसके लिए हमने तत्कालीन, तो हमने जो खंड शिक्षा अधिकारी 30 गवाह हैं हमारे, उनको हमने निर्देशित किया कि विद्यालय में जाकर इसकी तथ्यों की जाँच कराई जाए। लेकिन इसकी विस्तृत जांच के लिए हम कमेटी गठित कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा, स्कूल प्रबंधन होगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दरअसल अखिलेश यादव के एक बयान में उन्होंने कहा था कि दोनों डिप्टी सीएम ट्विन टावर की तरह हैं, सीएम झूठ ना बोले इसलिए दोनों डिप्टी सीएम को रखा गया है। इस बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया, इसलिए वो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। ये रखा गया है ताकि सीएम झूठ ना बोल सके। अच्छा, क्या रिएक्शन है? अखिलेश जी क्या कहते हैं कि उनका अपना विवेक है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, उनसे कार्यकर्ता है, भागने वाले सक्षम लोग हैं, और हमारे मुख्यमंत्री हों चाहे डिप्टी सीएम हों, योग्यता के आधार पर, परिश्रम के आधार पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, सर्वत्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम भी और हमारा पूरा मंत्रिमंडल भी वो लगातार काम कर रहा है। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी को जनता निकाल चुकी है लोकसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भी, और उनकी कोई बात काज में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। प्रयागराज में भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया हरितालिका तीज के व्रत से पहले महिलाओं ने देर रात कर कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत की। दिन भर निर्जला व्रत रहकर शाम को शिव परिवार का सामूहिक पूजन करने के साथ महिलाएं शिव, गौरी और अखंड सौभाग्य की मंगल कामना के साथ ही 31 अगस्त यानी आज सुबह पूजन के बाद व्रत का समापन किया गया। कि ताकि अपने पति को स्वस्थ रख सकें और लंबी उम्र के लिए करते हैं, और इस जन्म में नहीं, हर 7 जन्मों में हमें यही पति दोबारा मिले, इसलिए हम लोग यह व्रत रखते हैं तीज का। जी, ये भादो महीने की तीज को ये व्रत किया जाता है, हरतालिका तीज के नाम से है, क्योंकि ये व्रत का महात्म्य ये है कि ये व्रत करने से पार्वती जी ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो आज सारी सुहागिने स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके प्रेम को जीवन भर प्राप्त करने के लिए ये व्रत निर्जला करती हैं। कुंवारी लड़कियाँ भी शिव जी के समान अच्छा पति प्राप्त पाने के लिए इस व्रत को करती हैं, और ये व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। अगले दिन विसर्जन के बाद ही हम कुछ पारण करते हैं। गोंडा में थानेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहाना में प्रसव के बाद एक नवजात शिशु की जंगली जानवर द्वारा नोचे जाने की खबर प्रकाशित करने से बौखलाए स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जिससे जाने से नाराज पत्रकारों ने मुजेहाना ब्लॉक सभागार में एक आपात बैठक की। बैठक में पत्रकारों ने जिला प्रशासन से पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने पर सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की बात कही। मेरी लड़की सायरा बानो को बच्चा था, वो आई थी यहाँ अस्पताल में, उसको लेके आए, लगभग 1 या 2 के बीच में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा स्वस्थ और ठीक ठाक था, मगर उसको बोले कि सांस में तकलीफ है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप लोग बाहर चले जाएँ, और मेरी लड़की को दूसरे कमरे में कर दिया, हम लोगों को बाहर कर दिया, अंदर ले गए, ऑक्सीजन लगाया या नहीं लगाया, क्या किया क्या नहीं किया, क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम। सुबह 4 बजे लगभग उन्होंने हमको खबर दिया कि तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया,
जब हम लोग वहाँ गए देखने के लिए तो उसका ओंठ, उसका नाक, ये दोनों तरफ का गाल बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल खून खच्चर था। उसके बाद में हम लोगों ने कहा यह कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने कहा अंदर जाने नहीं दिए, तुम्हारी कैसे जिम्मेदारी है। 27/28 की रात्रि को रुद्रगढ़ नौसी ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजैना लाया। परिजनों का यह आरोप था कि हमारे बच्चे की तबीयत उस समय पैदा होते समय ख़राब थी और उसको ऑक्सीजन में रख दिया गया था और हम लोगों को उस कमरे से बाहर कर दिया गया। रात में किसी जानवर ने बच्चे का चेहरा कुतर दिया और बच्चे की मौत हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होना माना जा रहा है, बताया गया है। सर ये अभी 28 तारीख की सुबह एक नवजात शिशु का शव कुतरने के लिए उसमें कवरेज करने गए पत्रकार से उमानाथ तिवारी जी के ऊपर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक FIR दर्ज कराई है। उसी के संबंध में हम पत्रकारगण इकट्ठा होकर के और ये जो है विचार विमर्श किया गया है कि शासन प्रशासन उनकी जांच न करा करके, पीड़ित का बयान न लेकर के, सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों का बयान लेकर के और उसी पर रिपोर्ट शासन को भेज दिया गया, जहां से पत्रकार को कवरेज करने के साथ वहां FIR दर्ज करा दी गई है। अब बताइए कि क्या पत्रकार कलम नहीं चलाएगा। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर बैंक कर्मचारियों में बैंक शाखा के अंदर आपस में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की लाइव घटना बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में एक बैंक कर्मचारी को कई कर्मचारी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल बैंक कर्मचारियों की तहरीर पर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये घटना कुआरसी थाना इलाके के HDBC बैंक की है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में भाटिया मोड के पास घर के सामने से बाइक ना हटाने से गुस्साए व्यक्ति ने बाइक सवार व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आरोपी अमित मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस FIR दर्ज कर आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। शर्मा नामक व्यक्ति जब अमित सिंह सन ऑफ राज सिंह नामक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हुए बाइक पर फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब इनका अमित सिंह से कुछ विवाद हो गया, जिस पे अमित सिंह ने अपने घर की छत पर चढ़ के इन पे गोली चलाई। घायल को तुरंत ही उपचार हेतु यशोदा अस्पताल नेहरू नगर लेकर गए हैं। घायल खतरे से बाहर, इनके कंधे पे गोली लगी है। इसमें तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में परसापुर के एक दुकानदार ने सांडी नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि पर दुकान हड़पने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में CM योगी और दुकानदार ने गुहार लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, कि हमारी दुकान सांडी में है, उसे पिताजी बैठते थे, पिताजी गुजर जाने के बाद में हम बैठने लगे, तो हमसे अनिल पर्ची भी कटाई है। पर्ची कटाने के बाद में अब हमारा नाम ट्रांसफ़र करने के लिए हमसे कहा कि हमारा नाम चेंज कर दिया जाए, पिताजी की जगह पे हमारा नाम डाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी गुजर गए तो दुकान भी गुजर गई, अपनी दुकान खाली करो, दुकान खाली करके अपने घर ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ। हमने कहा अनिल गुप्ता जी चेयरमैन, हमने ऐसा न करो, हमारे पिताजी गुजर गए तो कहते हम थोड़ी गुजर गए, हमारी जगह थोड़ी गुजर गए, सरकारी जगह है, जगह देगी हमें तो हम खाएंगे, नहीं देगी तो हम खाली कर देंगे। कि नहीं, नगर पालिका कहती है, हमको नगर पालिका नहीं कहती है, तो आप कहते। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां सिंघानी थाना इलाके में राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज में पंखे में तार जोड़ते समय करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है आपका, जिसकी मौत हुई है क्या नाम था इसका?
उसका नाम समीर नाम है। कहाँ कैसे क्या कैसे मौत हुई थोड़ा जानते हैं? प्रताप में काम करने गया था, दुकान है उधर खुलाई थी, तो काम करने गया था, पंखा वंखा सही करने गया था, तो सीधी उसने गिरा दी कि किसी में करंट आ सकता, तो किसी बच्चे ने आके फिर उठा लिया, तभी वो काम कर रहा था, करंट लग गया वहीं पे, करंट लग गया, पूरी तरह से करंट लग गया। अलीगढ़ में विजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने बीमारी से तंग आकर और गृह कलेश की वजह से खेत पर लगे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक के बड़े भाई कमलेश ने बताया कि उसका छोटे भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और घर में भी पत्नी से आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसको दौड़ा पड़ जाते थे, ये खेत में गया है 4 बजे करीब, पता नहीं है अपने आप वहाँ पे उसने लगा ली। अच्छा, तो कितने बजे घटना है? ये करीब 5:30 बजे की बात है। अच्छा, तो सूचना कैसे मिली आप? ये लेटिंग वेटिंग करने गए तो सबने देखा कि लड़का हुआ मिला। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग इनको? 25 साल। और शादी कितने वर्ष हो गए हो? 6-7 साल करीब हो गई। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं इनके पास? 2 बच्चे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।